पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब पाकिस्तान अपने हालात से तंग आकर समुद्र में कुएं खोदने लगा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 18वां कुआं खोदने के बाद भी पाकिस्तान को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। इस खोज अभियान पर करीब 10 करोड़ डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। केकरा वन तेल कुआं कराची के तट से 280 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये इंडस जी ब्लॉक में आता है। इससे पहले पाकिस्तान इस क्षेत्र में तेल की खोज के 17 प्रयास कर चुका है, लेकिन सभी नाकाम ही रहे। इमरान खान ने कहा था, अल्लाह ने चाहा तो ये भंडार इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान को तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान ने कराची के पास तटीय इलाके में तेल और गैस की खोज शुरू की। तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कोई बड़ा भंडार हाथ लगेगा, लेकिन उनके हाथ नाकामयाबी के अलावा और कुछ नहीं लगा। समाचार एजेंसी एपीपी के मुताबिक तेल के कुएं की खोज कर रहा दल अगले कुछ दिनों में इस कुएं को बंद भी कर देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस जल क्षेत्र में अमेरिकी तेल कंपनी एक्सन मोबिल और इटली की ईएनआई तेल की खोज में साझा खुदाई कर रही है। इन कंपनियों ने तेल की खोज में समुद्र तल में गहरा कुआं खोदा है। अब इन कंपनियों ने कुएं को बंद करने का फैसला किया है। अब एक बार फिर पाकिस्तान को तेल की खोज में नाकामी मिली है। इसे प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्हें इस कुएं से बहुत उम्मीदें थीं और वो पहले ही इसकी कामयाबी का जश्न तक मना चुके हैं।